हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी वीडियो है वो एनालिसिस है और 2017, 18, 19 का जो क्वेश्चंस का कंपैरिजन है सब्जेक्ट वाइज उससे रिलेटेड है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि धीरे धीरे जो है जो जीएस का जो पोर्शन है वो कितना डेप्थ में जा रहा है और कौन सा सब्जेक्ट है वो धीरे धीरे उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मेन एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये पूरी एनालिसिस है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस टॉपिक पर कितना ज़्यादा फोकस करना है। देखिए, आप देख सकते हैं कि एथिक्स एंड वैल्यूज़ अगर आप इसकी बात करते हैं तो इस ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, 5 to 7, 7 to 12 इस तरीके से। और हाँ, वन मोर थिंग, ये जो मैंने क्वेश्चंस का यहाँ पे जो टेबल बनाई हुई है, ये हो सकता है कि बाकी जो अलग अलग साइट्स हैं या फिर अलग अलग टीचर्स हैं उन सब का अलग हो सकता है ये थोड़ा बहुत। उसका रीज़न मैं बताती हूँ क्यों होगा, होना नहीं चाहिए, बट क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि मान लो पॉलिसी से रिलेटेड है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो कुछ लोग उसको ICT के अंदर डाल देते हैं और कुछ उसको करंट अफेयर के अंदर डाल देते हैं। कुछ करंट अफेयर के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसको कोई कोई इन्वायरमेंट से रिलेट कर देगा, कोई करंट अफेयर से रिलेट कर देगा, या फिर जैसे कि एक टॉपिक है EOQ वाला, इसको कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंसिडर करता है, कोई क्वालिटी में कंसिडर कर सकता है। तो ये एक दो जो टॉपिक्स हैं, एक दो क्वेश्चंस का थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जैसे होता है सिर्फ EOQ जैसे वो मैं क्वालिटी के अंडर उसको कंसिडर करूँगी। कुछ लोग उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चंस का वेरिएशन हो सकता है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, एथिक्स एंड वैल्यूज़ का जो मैंने बताया, अब धीरे धीरे जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी एथिक्स में इंक्रीज़ हो रहे हैं। प्लस आप ध्यान देंगे कि अभी इस बार जो 2019 का जो पेपर था उसमें उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरेटिवली। इस बार जो पेपर आया था वो सीरियसली टफ था, और जो एथिक्स एंड वैल्यूज़ है उसमें अभी वो सिंपल नॉर्म्स टर्म्स में नहीं रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिलोसफी में भी एंटर हो चुके हैं, सोसाइटल डेवलपमेंट का भी टॉपिक आया हुआ था, और कितनी सारी नई टर्म थी फिलोसफी की, एंटोमोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब एक दो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ करके वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कितने डीप तक सब्जेक्ट को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अभी इस बार आपने पढ़ लिया तो ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम के लिए जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप सब अटेम्प्ट कर पाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनमें से किसी का भी सिलेबस उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। हर बार वो क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को नया डाल के इसका जो जो इसका एरिया है सब्जेक्ट का उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे और इंक्रीज़ करिए। जैसे कि इसमें अगर 12 क्वेश्चंस है तो 5-6 क्वेश्चंस तो काफ़ी ज़्यादा इजी थे, आप देख सकते हैं 3-4 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट हैं और सबके लिए नए हैं, चाहे किसी ने कोचिंग ली हो चाहे नहीं ली हो। यस, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, अगर किसी को ऐसा लगता है कि कोचिंग लेने से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़ी से बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसको आपको लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, उसमें भी वो ये कहते हैं कि अगर 12 क्वेश्चंस आएंगे तो हम आपको 7 to 8 क्वेश्चंस यहाँ क्लास में कराएंगे। अगर तुम 7 to 8 क्लास में क्वेश्चंस कराते हो इतने बर्डन के साथ, तो आप पढ़ोगे इतने सब्जेक्ट्स, 20-25 सब्जेक्ट्स के साथ में, एंड तक आपको इसमें से कितना याद रहेगा? और कुछ तो यार लास्ट टाइम में जब आप पेपर दे रहे हो तो उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन में ही भूल जाते हैं, सारे टर्म पता है, अच्छा डियोन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन किसका क्या आंसर है ये तो नहीं पता। तो उसमें से आप कितना कर पाओगे, 2-3-4 क्वेश्चंस मैक्सिमम। सो इसलिए ये भी ना सोचे कि कोचिंग वालों ने कुछ ज़्यादा ही कर दिया होगा, वो उनके लिए भी नहीं थे, आपके लिए भी नहीं है, और वो जो है ओवरऑल आपके उस पर कुछ फ़र्क नहीं डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं एनवायरमेंट एंड एनर्जी की, तो एनवायरमेंट एंड एनर्जी में जो है वो लेवल जो है क्वेश्चंस का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कांस्टेंट चल रहे हैं, अभी एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ये कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसका जो टॉपिक है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। तो आप ये देख सकते हैं, मैं इस पर स्टामा करूँगी एनवायरमेंट एंड एनर्जी पर, कि ये आपका काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, काफ़ी स्कोरिंग है। इसके अंदर जो टॉपिक हैं वो गिने चुने हैं, आपका पोल्यूशन से आएगा, एसिड रेन आ गया जैसे कि अभी आया हुआ था, वाटर पोल्यूशन हो गया, स्मोग से रिलेटेड हैं टॉपिक्स, कुछ इकोलॉजी है, इकोसिस्टम से रिलेटेड हैं, डाइवर्सिटी से हैं, तो कुल मिला के 5 से 6 जो टॉपिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं। EIA का क्वेश्चन आपने देखा होगा, सैम्पल में भी आता है, और अभी भी क्वेश्चन आया था 17 में भी क्वेश्चन आया था, तो EIA वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ओजोन लेयर से, तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज, ये इसके फिक्स टॉपिक हैं ऑलमोस्ट, मैंने कवर भी कराए हैं, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और EIA वगैरह कुछ बचा हुआ है जो कि इस बार करा दूंगी मैं। तो ये जो है टॉपिक्स के कॉन्स्टेंट है और स्कोरिंग है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप कोई भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो, कोई प्लानिंग कर रहे हो, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किस में से ज़्यादा आने वाले हैं और कौन से आपसे हो जाएंगे,
दोनों चीज़ों का ध्यान रखना हमेशा। अगर अगर आप दोनों इन चीज़ों की बात करो, एथिक्स और इन्वायरमेंट की, दोनों में से अगर आपको चूज़ करना है कि मैं कौन सा पहले पढ़ूँ, तो ऑफ कोर्स आपको इन्वायरमेंट पहले पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली और हो भी जाएंगे। एथिक्स में तो सबको पता है क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन जो आपसे होने वाले क्वेश्चंस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर इन्वायरमेंट में 12 क्वेश्चन आए हैं तो 10 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें 12 आए हैं तो 6 क्वेश्चंस 7 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा पढ़ते टाइम, सबसे पहले आप किस पे फोकस करेंगे। लाइक करंट अफेयर है, कितना भी फोकस कर लो कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन आएगा हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन आएंगे, लेकिन होने के चांसेस कितने पता नहीं। अब जिसने डेली 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ा है, पूरे साल न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उसको। इसके कंपेरिजन अगर आप 2 घंटे इनको देते ऊपर वाले सब्जेक्ट्स को, तो आपका कुछ हो जाता। अब इसमें से जो क्वेश्चन आए थे वो भी ज्यादातर इकोनॉमी से रिलेटेड थे, तो मतलब इसमें जो है आप इसको सबसे लास्ट में ही रखें। तो इस तरीके से पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है, इसीलिए मैंने ये एनालिसिस की वीडियो बनाई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं एंड डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हो रहा है। पहले वो सिर्फ सीपीएम पार्ट और इन सब तक ही सफिशियंट था उनका, लेकिन अभी फाइनेंशियल में भी इंक्रीज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आपको जो IR वगैरह है, AR वगैरह है, उनके बारे में फोकस करना पड़ेगा। इवन अभी इस बार वो ग्राफिकल इवेल्यूएशन में भी उन्होंने एंटर किया है, जर्ट में भी, और आपको नई नई टर्म्स भी मिल रही हैं उसके अंदर। तो धीरे धीरे वो इसको इंक्रीज कर रहे हैं, और सेम वही पैटर्न है आपका, 4-5 क्वेश्चन इजी थे, 3 डिफिकल्ट हैं, तो आपको उस हिसाब से 1-2 क्वेश्चन आपको हर साल नए मिलेंगे। उसके बाद है आपका क्वालिटी, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी में भी जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं। और हाँ, साथ में इसके साथ में अभी जो है वो धीरे धीरे आप देखेंगे, पहले क्वालिटी सर्कल्स जो टर्म्स थी वहां तक थे, अभी वो लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन में भी जा रहे हैं, सर्विस में भी जा रहे हैं, जो कि इसका सब्जेक्ट का जो फुल फॉर्म है ना, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन सर्विस मेंटेनेंस एक्सेट्रा, तो उनमें भी अब वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि अभी आपको किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, जैसे कि लास्ट ईयर तक होता था कि बस ठीक है टॉपिक्स का ओवरव्यू पता चल जाए, आइडिया हो गया, बस ठीक है उससे काम चल जाएगा। अभी इस बार से कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। आपने देखे होंगे न्यूमेरिकल भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं, कितने ज्यादा इन सब्जेक्ट्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको उनकी डीप स्टडी करनी पड़ेगी। अभी आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेंगे कि लास्ट के 1-2 महीने में बस ठीक है देख लिया, या फिर सिर्फ क्लास अटेंड कर ली, कुछ सुन लिया तो चलो ठीक है। नहीं, आपको प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इनको भी आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा जितना आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आप ICT देखेंगे, तो ICT भी आपका जो है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। इसमें भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी सारे जो टॉपिक्स हैं वो जो नई नई गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, जो कुछ कुछ नई स्कीम्स हैं, और कंप्यूटर से रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। हाँ, वन मोर थिंग, जो भी टॉपिक्स जो रिलेटेड हैं, जैसे कि कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता कि इसमें कितना पढ़ना चाहिए, तो मैंने जो है वो इसका एक सिलेबस की एक सेपरेट वीडियो मैं बनाने की सोच रही हूँ, जिसमें सिलेबस तो वैसे कुछ मेंशन नहीं है UPSC का, कुछ भी हो सकता है। आप ये बोल सकते हैं कि अथाह सागर है, कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। लेकिन अभी जैसे कि जो सैम्पल क्वेश्चंस इन्होंने दिए हैं 17, 18, 19 में दिया, अभी कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके और कुछ टॉपिक्स उनके साथ के आसपास के जो टॉपिक्स हैं उन सबको कंक्लूड करके मैंने कुछ टॉपिक्स जो है नोट डाउन किए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि सिलेबस की फॉर्म में मैं उनको आपको बता दूँ, ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है। बाकी तो मैं इस बार जो है वीडियोस के साथ साथ क्वेश्चंस भी इस बार मैं अपलोड करूँगी, ताकि आपको जो है क्वेश्चंस की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट आप देखेंगे डिज़ाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी, इसमें आप देख सकते हैं कि 17 में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, और अभी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं। और इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो ड्राइंग वाला पोर्शन है उसमें 8 से 9 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे, इसमें ड्राइंग में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, इस बार 2 क्वेश्चंस थे। तो जो है अभी जैसे कुछ लोगों की ऐसी मेंटेलिटी हो चुकी है कि ड्राइंग से लास्ट टाइम भी 1 ही क्वेश्चन आया था, अभी 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ड्राइंग को वो थोड़ा सा लाइटली लेना शुरू कर देते हैं कि ड्राइंग को छोड़ो, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। ऐसा कभी भी गलती मत करना, हो सकता है 1-2 बार से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, लेकिन किस साल ज़्यादा आ जाएं आपको नहीं पता। लाइक 17 में इतने क्वेश्चंस आए थे, तो सब लोगों ने ड्राइंग 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 ही पढ़ाई 18 में, और उसमें क्वेश्चंस नहीं आए, 19 में भी नहीं आए, तो अब जो है वो उस सब्जेक्ट को लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो है UPSC धीरे धीरे से बता रहा है कि आपको ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब 1 साल में सब कुछ तो हो नहीं सकता, हर साल वो एक एक सब्जेक्ट की जो वेटेज है उसको इम्प्रूव करके, उसको इंक्रीज करके आपको ये बता रहे हैं कि आपको इनकी इतनी डेप्थ तक जाना है, इतना रिक्वायरमेंट है। 17 में ड्राइंग के बारे में क्वेश्चंस देखे, वो बता चुके हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स इसमें से कवर करने हैं, तो वो आपको करने ही है। पता नहीं चलता कि 20 में सारे के सारे ड्राइंग से 20 क्वेश्चंस ड्राइंग से आ जाएं, कुछ नहीं पता। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेंगे, हर बार वो सिर्फ यही इंक्रीज करके शो करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मैथमेटिक्स है,
मैथमेटिक्स में भी जो अब अगर अगर आप टॉपिक्स को देखेंगे कि तो वही फिक्स है, कॉम्प्लेक्स से है, हर बार क्वेश्चन आता है, लास्ट टाइम भी, इस बार भी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपका फिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका क्वेश्चन फिक्स है, और जैसे कि कुछ नए टॉपिक्स जो हैं फोर ईयर सीरीज से, जैसे लास्ट टाइम आया था न्यूमेरिकल मेथड से आपके क्वेश्चन लास्ट ईयर काफ़ी अच्छे आए हैं, और अभी जैसे वो लैपलेस में उन्होंने एंट्री नहीं किया तो मे बी लैपलेस से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, तो इस तरीके से इसके भी जो 5-7 टॉपिक हैं वो फिक्स है, आप उनको कर लीजिए तो उसी में से क्वेश्चन आना है। एप्टीट्यूड है, जैसे एप्टीट्यूड में भी आपके जो टॉपिक हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके गिने चुने टॉपिक होते हैं, वर्क एंड एनर्जी वाला, टाइम एंड वर्क वाला, एजीज का हो गया, और ये रूट इक्वेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का टॉपिक हो गया, ज्योमेट्री, इस बार ज्योमेट्री से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी ज्योमेट्री से पूछे गए हैं, तो मतलब जैसे पहले ज्योमेट्री से नहीं था तो लोगों को लगता ज्योमेट्री नहीं करनी, इस बार क्वेश्चन आ गए तो वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ आप ज्योमेट्री भी करो, तो एप्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आप सबको ही एक बार कवर कर लीजिए, ये जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एप्टीट्यूड जिस भी सब्जेक्ट में आता है वहाँ से एक बार उठाइए एप्टीट्यूड की बुक को, अभी आपके पास बहुत टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी आप कर सकते हो उसको, और बीटेक स्टूडेंट हो तो एप्टीट्यूड के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, एक बार बैठ के भी अगर आप करोगे तो भी हो जाएगा, और अगर 11 क्वेश्चन आए थे तो उसमें से अगर आप नहीं भी करके जाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे, तो 5-6 क्वेश्चन तो वैसे भी हो जाते हैं, तो ये इतना तो बीटेक स्टूडेंट है तो इतना तो आप हो जाएगा आपका, इतना कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डायरेक्शन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, तो ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, बाकी आप एक बार प्रैक्टिस करें इस तरीके जो मैंने आपको बताया जिसमें एप्टीट्यूड ज़्यादा आता है वहाँ से कोई बुक उठा के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर टाइम लगेगा तो मैं ये भी वीडियोज़ इन दोनों की भी कुछ डालूंगी वो, बट वो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब ये ऊपर के जो हैं सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे विद क्वेश्चंस तब जाके मैं ये करूँगी, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में मटेरियल साइंस है, जैसे ये आप खुद से कर सकते हो इसलिए मैं बोल रही हूँ फोकस करने की ज़रूरत है, आपको तो करना ही है क्योंकि ये स्कोरिंग है, आप ये देख लें कंक्लूड करके कि स्कोरिंग क्या क्या है आपका। नेक्स्ट जो है वो मटेरियल साइंस है, मटेरियल साइंस काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग आप देख रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें, तो अब मटेरियल साइंस को आप कभी भी स्विच ना करें, आप हमेशा मटेरियल साइंस को जो है वो आप पढ़ें बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करके, क्योंकि ये भी ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे और हो जाएंगे, वो फिक्स है, फिक्स सिलेबस है यार, उसी में से आना है, ऐसा थोड़ी है कि आपने कुछ और पढ़ा और आ कुछ और गया, जैसे कि करंट अफेयर है या पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, जब आपको पता है कि गिने चुने 12-15 टॉपिक है तो उसी में से आना है, तो मटेरियल साइंस को आप कभी भी स्किप ना करें, उसको आपको करना ही करना है। देन करंट अफेयर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका करंट अफेयर कितना स्ट्रांग है और आपकी श्रद्धा के अनुसार आप इसको कर सकते हैं, मतलब इसके बारे में कोई कमेंट नहीं। हाँ बस मैं ये बताना चाहूँगी कि करंट अफेयर में भी अगर कोई टाइम देना ही चाहता है, जिसको लगता है कि हाँ यार मुझे करंट अफेयर में कुछ तो करके ही जाना है, तो आप उन टॉपिक को करें इसके अंदर भी जो कि ऑलमोस्ट फिक्स हैं, जैसे आप देख सकते हो कि जो आपका जितने भी ये अभी जो टॉपिक आता है इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपके इनसे, या फिर आपका जो शेयर मार्केट वगैरह का है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, तो मतलब जो जो फिक्स से टॉपिक है करंट अफेयर के अंदर उन पे आप फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस पे मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, लेट्स सी जो भी प्लानिंग होती है, बट इसमें भी आप फोकस करेंगे तो करंट जो आपके फिक्स टॉपिक हैं उनके ऊपर आप फोकस करें, ये आपका UPI वगैरह है, पेटीएम वगैरह से कितना क्या कुछ लेना देना, बैंक का RRB वगैरह, ये सारे इन इससे रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हैं ना मेन, आप उन पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें से भी ये कि 5-6 क्वेश्चन कुछ आए तो 1-2 क्वेश्चन तो आपके फिक्स टॉपिक में से आने ही आने हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैं बिल्कुल भी आपको नहीं कहूँगी कि आप डेली इसमें ज़्यादा न्यूज़पेपर वगैरह से पढ़ के आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने टेक्निकल में ज़्यादा फोकस करोगे तो वहाँ ज़्यादा स्कोर कर लोगे। इसके 5 क्वेश्चंस आप इतना 2-3 घंटे डेली देके 5 क्वेश्चंस जिसकी कोई शॉर्टी भी नहीं है वो करने से अच्छा अगर आप 2-3 घंटे अपने टेक्निकल की प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो अभी अगर हम बात करें ओवरऑल इसकी कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो मैं ये आपको कहूँगी सबसे पहले आप फोकस करें एनवायरमेंट एंड एनर्जी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आप मैथ्स और एप्टीट्यूड जो कि फिक्स टॉपिक हैं, फिक्स जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चंस आने, बट हाँ इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो इसके गिने चुने जो मैं सिलेबस में बताऊंगे। उसके बाद आप फोकस करें मटेरियल साइंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं तो आप कर सकते हो। उसके बाद जाएंगे आप एथिक्स पे या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है किसका ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप इन टॉपिक को कवर करेंगे। और ड्राइंग सेफ्टी ये आपका लास्ट ही रहेगा, ड्राइंग करने से पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप जो है सेफ्टी से भी, जैसे आपने थोड़ा ओवरव्यू भी ले लिया तो एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है सेफ्टी से, और ये टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता इसमें, मतलब 2-3 घंटे में आप सेफ्टी इजीली कवर कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप जो है वो अपनी प्लानिंग करोगे, ये मैंने आपको बताया इस तरीके से करना है, बट हो सकता है कि किसी का कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, किसी का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा है तो उसको ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप किस लेवल तक
उसको आप पढ़ सकते हो, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको इसी पे फोकस करना है। आपको एग्जाम मार्क्स चाहिए होते हैं तो कौन से क्या ज़्यादा आने वाला है और क्या आपसे इजीली हो जाएगा, कितना आप इजीली कवर कर सकते हो, उस पर आप फोकस करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हुई होगी आगे की आप जो है स्ट्रेटेजी अपनी बना सकें। और मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी इसकी सिलेबस को भी अपलोड करने की कि आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करें, ताकि आपका थोड़ा सा जो GS के सब्जेक्ट्स हैं उनको लेके आपका माइंड थोड़ा सा सेट हो, आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल रहे आपके लिए। और एक जो मैंने टॉपिक ये लास्ट वाला डाला हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें से ऑलमोस्ट इनका आप सम करेंगे तो ये 100 नहीं हो रहा है, तो जो कुछ टॉपिक हैं वो हर बार कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं। कोई फिजिक्स से क्वेश्चन आ गया, कोई नॉर्मल जनरल इंजीनियरिंग आ गया, GK आ गया, इस तरीके से जो है जनरल टॉपिक्स भी आते हैं जिसको मतलब ऐसे ही ज़बरदस्ती आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर नहीं डाल सकते। जैसे कुछ लोग कर देते हैं, इनमें से नंबर किसी का बढ़ा दिया, वो ज़बरदस्ती वाली बात होती है कि उस टॉपिक को आप जैसे ज़बरदस्ती प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाल दिया या फिर आपने मटेरियल साइंस में डाल दिया, वो टॉपिक वो है उनसे रिलेट नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इन सबसे बाहर है वो टॉपिक। और वो हर बार आते हैं, दो तीन क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो ये आपका जो है इसकी एनालिसिस है कहीं ना कहीं, और ICT में भी, वो कहीं सी प्रोग्रामिंग वगैरह में भी थोड़ा बहुत कुछ आगे लग रहा है मुझे, इंक्रीज़ हो रहा है सब्जेक्ट। सो ये इसके एनालिसिस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट है या आपका कुछ सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे। अभी न्यू ईयर का जो है सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पूरा अगले साल तक के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो मेरे पास भी है, मैं आपके सजेशंस को जो है वो अच्छे से एनालिसिस करूँगी उसका, और उसके पे वर्क भी करूँगी। मेरे पास अभी है टाइम, सो आप प्लीज़ अपना जो भी सजेशन है वो आप दें। लास्ट टाइम मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। सो थैंक यू सो मच।